नमस्कार, प्रार्थना हूँ स्वीकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ सुनीता राय शर्मा और आज हम बात करेंगे बृहस्पति की तीन खास चीजों की जिनका प्रयोग आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। सबसे पहले बताएंगे ऐसे तत्व के बारे में जिसका प्रयोग रसोई घर से लेकर पूजा घर तक में होता है। रसोई घर में उसका इस्तेमाल सेहत को बेहतर बनाता है तो पूजा घर में उसका प्रयोग शुभता लाता है। वो औषधि भी है और दैवीय भी। वो गुणों की खान है, हर प्रकार से मंगलकारी और शुभकारी है। कौन सा है वो तत्व और उसका प्रयोग कैसे आपको गुरु ग्रह बृहस्पति की कृपा दिलवा सकता है, देखिए। सबसे ऊंचा है जिनका स्थान, देवताओं के गुरु देंगे वरदान। सबसे बड़ा और शुभ ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। देव गुरु बृहस्पति की कृपा के बिना जीवन में खुशियों का संचार संभव नहीं है, क्योंकि बृहस्पति में वो शक्ति है जो किसी भी चीज को बड़ा और विकराल कर सकते हैं। देवानाम गुरु बृहस्पति एक कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। इनकी उत्पत्ति भी जल के माध्यम से हुआ है। तृष्णवात विकाम, तृष्णवा त्रिषण वाम्बुभिः ऐसा शब्द आया है। तो तृष्ण शब्द का अर्थ होता है आकाश, अंतरिक्ष और भूमि। जो जल का प्रवाह चलता है आकाश मार्ग से वो अंतरिक्ष होते हुए भूमि पर गिरता है, और जब भूमि पर गिरा तो भगवान कश्यप जो ऋषि जो है ये आंगन को सुशोभित किया है। नौ ग्रहों में बृहस्पति को गुरु और मंत्रणा का कारक माना जाता है। पीला रंग स्वर्ण, वित्त और कोष, कानून, ज्ञान, मंत्र, ब्राह्मण और संस्कारों को नियंत्रित करते हैं। पाचन तंत्र, मेधा और आयु की अवधि को निर्धारित करते हैं। पांच तत्वों में आकाश तत्व का अधिपति होने के कारण इनका प्रभाव बहुत ही व्यापक होता है। महिलाओं के विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी बृहस्पति से ही तय होती है। बृहस्पति तो देवताओं के गुरु हैं, देवानाम गुरु बृहस्पति ही, और कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। और जब देवताओं के गुरु हैं तो इनका ज्योतिष में मनुष्य के प्रति ज्ञान का ज्ञान प्रदाता है, एक तरह से धर्म कर्म में प्रवृत्त कराने वाले तत्व हैं। और यदि केंद्र बृहस्पति ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति केंद्र में उपस्थित रहते हैं तो सभी जो क्रूर ग्रह रहते हैं स्वयं समान हो जाते हैं, उनकी दृष्टि भी ठीक हो जाती है, अनुकूल हो जाती है। बृहस्पति मजबूत हो तो दूसरे खराब ग्रह भी इंसान को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाते। लेकिन अगर कुंडली में गुरु ग्रह सकारात्मक संकेत नहीं दे रहा, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर है तो आज हम आपको बताएंगे उन तीन अद्भुत चीजों के बारे में जिनसे आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति मजबूत होगी। बृहस्पति के पूजन की प्रक्रिया में तो पहले वृक्ष रूपी में वनस्पति में केले के वृक्ष का पूजन किया जाता है। पीला में चने की दाल वगैरह, भोग वगैरह में गुड़ वगैरह ऐसा अर्पित किया जाता है उनको। केसर है, केसर युक्त चंदन का भगवान बृहस्पति को चढ़ाया जाता है। हल्दी हुआ, ये सब वस्तुएं जो है ना भगवान को, और पीली फूल ये भी भगवान बृहस्पति को अर्पित किया जाता है। बृहस्पति की कृपा देने वाली पहली चमत्कारी वस्तु है हल्दी। हल्दी के ज्योतिषीय प्रयोग से आप अपने बृहस्पति को मजबूत कर सकते हैं। हल्दी के प्रयोग से आप अपने जीवन की हर नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। हल्दी का प्रयोग जैसे कि अग्नि पे चरु पकाया जाता है, चरु में हल्दी डाल करके आप खीर बना करके उसमें हल्दी डाल करके भी उसको अग्नि को प्रदान किया जाता है बृहस्पति के मंत्र से।
तो हमारे शास्त्रों में, वेदों में, बृहस्पति अति आदर जो एषम मंत्र वेदोक्त हैं और पुराणोक्त भी मंत्र हैं, इन्हीं मंत्रों के माध्यम से उनको प्रदान किया जाता है। बृहस्पति का स्वरूप है हल्दी। हल्दी के प्रयोग से आप बृहस्पति भी मजबूत कर सकते हैं। गांठ वाली पीली हल्दी को पीले धागे में बांधकर गले या बाजू में पहने, ये पीले पुखराज की तरह काम करता है और बृहस्पति को मजबूत करता है। बृहस्पतिवार को सुबह हल्दी धारण करना उत्तम होगा। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक अगर आपकी शादी में लगातार बाधाएं आ रही हैं, किसी वजह से रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, तो हल्दी के खास प्रयोग से जल्द ही आपकी शादी का प्रयास सफल होगा। स्नान के पानी में थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी मिलाएं। रोज सुबह सूर्य को हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें। जल चढ़ाने के बाद लोटे के किनारों पर लगी हल्दी को माथे और कंठ पर लगाएं। ये प्रयोग लगातार एक माह तक करें। गुणी और चमत्कारी है हल्दी। अगर आपके जिंदगी में बृहस्पति से जुड़ी कोई भी समस्या है तो इन उपायों को आजमाएं। दैवीय गुणों वाली हल्दी के प्रयोग से आपके जिंदगी में चमत्कारी बदलाव आएगा। ज्योतिष की दुनिया में केसर को बृहस्पति का प्रतीक मानते हैं। बृहस्पतिवार को इस चमत्कारी दैवीय औषधि का इस्तेमाल आपकी किस्मत को बदल सकता है। केसर के चमत्कारी प्रयोग क्या होंगे जिससे देवताओं के गुरु बृहस्पति होंगे आप पर प्रसन्न, चलिए जानिए। बृहस्पति की दूसरी अद्भुत चीज है केसर। केसर का नाम सुनते ही सबसे पहले ख्याल आता है खूबसूरती और यौवन का, लेकिन ज्योतिष के दुनिया में केसर को बृहस्पति का प्रतीक मानते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर केसर क्यों है इतना महत्वपूर्ण। बृहस्पति का उनको पूजन में, जप में, हवनादि वगैरह कर्म के शांति कर्म किए जाते हैं और उनसे संबंधित जो वस्तुएं हैं, हल्दी है, केसर है, केला है और चने की दाल भी जो है उसको छिलका उतरा हुआ हो, पीला दिखाई पड़े, भोग में चने का लड्डू वगैरह हो जिसको हम लोग दलवेशन का वगैरह बोलते हैं, वह भी वस्तु चढ़ाई जाती है। केसर एक सुगंधित औषधि है जिसमें चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। खाने में रंग, स्वाद और सुगंध पैदा करती है केसर। केसर एक गर्म औषधि है जो शरीर में खून का संचार तेज करती है। ज्योतिष में केसर का संबंध शुद्ध रूप से बृहस्पति से है। यही नहीं, इस चमत्कारी औषधि के और भी बहुत से प्रयोग हैं जिनसे आपको मिल सकती है बृहस्पति की कृपा। केसर तो आज के परिप्रेक्ष्य में हर जगह देवताओं को कोई भी वस्तु जो प्रदान की जाती है, चढ़ाई जाती है, केसर की बड़ी महत्ता है। भगवान बृहस्पति तक तो है ही है क्योंकि पीली वस्तु है, लेकिन उसके अलावा भी अन्य देवताओं को भी श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम है विलेपनम सुरभ श्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम। तो चंदन जो है केसर युक्त चंदन ही चढ़ाने का विधान है। ऐसा नहीं कि जो मिले घस करके उसे ही चढ़ा दिया गया, केसर युक्त चंदन ही भगवान को चढ़ाया जाता है। केसर का तिलक लगाने से खत्म हो सकती है बृहस्पति की समस्या। दूध में केसर मिलाकर पीने से बढ़ती है बुद्धि और ज्ञान। अगर आपके बढ़ते वजन का कारक बृहस्पति है तो केसर के सेवन से लाभ होगा। वाणी की शक्ति बढ़ानी हो तो किसी शुभ मुहूर्त में जुबान पर एंग लिखवाएं। हल्दी और केसर दोनों ही बृहस्पति के अद्भुत प्रतीक हैं। ज्योतिष के गुरुओं की माने तो बृहस्पतिवार को इन चमत्कारी दैवीय औषधियों का इस्तेमाल आपकी किस्मत बदल सकता है। बृहस्पति की कृपा देने वाला एक चमत्कारी पौधा भी है, आगे जानिए।
वैसे जीवन में शुभता के लिए केले के पौधे को विशेष महत्व दिया गया है। शुभ कार्यों में केले का प्रयोग तो ऋषि मुनियों के समय से होता है। भगवान नारायण और गुरु ग्रह बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल और कारगर उपाय है केले के पौधे की उपासना। ऐसा माना जाता है कि केले के पौधे की पूजा से श्री हरि और देव गुरु बृहस्पति की विशेष कृपा भी मिलती है। तो आइए हम आपको बताते हैं क्यों अद्भुत माना जाता है केले का पौधा, क्या है केले के अद्भुत ज्योतिषीय प्रयोग। जिनके पूजन से प्रसन्न होंगे श्री हरि, जिससे बलवान होगा कुंडली का बृहस्पति, चमत्कारी शक्तियों से भरपूर एक पौधा, शुभ और संपन्नता का प्रतीक है केला। पेड़ पौधे संस्कृति और पौराणिक कथाओं में रचे बसे हैं। कई पेड़ पौधे जहां औषधीय महत्व रखते हैं तो कई आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व। ऐसा ही एक पौधा है केले का पौधा, जिसे हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में केले के पौधे का विशेष महात्म बताया गया है। पुराणों और शास्त्रों की बात करें तो केले के पौधे का संबंध नारायण से जुड़ा गया है। इसी कारण से सत्यनारायण व्रत की कथा हो, भगवान राम की कथा हो, रामचरितमानस पाठ की बात हो, या कोई भी ऐसी पूजा जिसका संबंध नारायण से हो, भगवान श्री हरि से हो, भगवान विष्णु से हो, तो उस पूजा में, उस अनुष्ठान में विशेष तौर पर केले के पत्ते का एवं केले के पौधे का प्रयोग किया जाता है। जिंदगी में अगर भगवान नारायण गुरु बृहस्पति के कृपा के साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा पानी है, तो इसके लिए सबसे उत्तम और कारगर उपाय है केले का पौधा। मान्यता है कि केले के पौधे में भगवान विष्णु का निवास है, इसलिए बृहस्पतिवार को केले के पौधे के पूजन से श्री हरि की भी कृपा बरसती है। शास्त्रों में तुलसी के बाद केले के पौधे को सबसे शुभ माना गया है। केले का संबंध बृहस्पति ग्रह से जोड़ा जाता है। शुभ कार्यों में केले के पौधे का मंडप और तोरण बनाने की परंपरा है। देवताओं के लिए केले के पत्ते पर ही भोजन परोसने का नियम है। केले की जड़ को पीले धागे में बांधकर पहनने से बृहस्पति मजबूत होता है। कथा पूजन में केले के पत्ते सजाए जाते हैं। श्री सत्यनारायण की कथा में भी केले के पत्तों का मंडप बनाया जाता है। दक्षिण भारत में केले के पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। श्री हरि की कृपा से शुभता और संपन्नता का वरदान देने वाला चमत्कारी पौधा माना गया है केला। ज्योतिष में गुरु को धन, विद्या, संतान, सुख और विवाह का कारक माना गया है। ज्योतिषी मानते हैं कि बृहस्पतिवार को केले के पौधे की पूजा से जीवन में समृद्धि आती है। जानकारों के मुताबिक केले का पौधा जिंदगी पर कई तरह के प्रभाव डालता है। बृहस्पतिवार को घर में केले का पौधा लगाकर आप अपनी तमाम परेशानियों से निजात पा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली का बृहस्पति कमजोर है और आपको तरह तरह की समस्याएं दे रहा है, तो देखिए घर में केले का पौधा लगाने से आपको क्या क्या लाभ मिल सकता है। घर में केले का पौधा लगाने से बृहस्पति से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर होती हैं। संतान पक्ष हमेशा सुखी रहता है। दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां नहीं आती हैं। रोगों से रक्षा होती है। आर्थिक पक्ष अच्छा और मजबूत होता है। संतान से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। विवाह की बाधा दूर होती है। वैवाहिक जीवन उत्तम होता है। उच्च शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति में सहायता मिलती है। तो आपका जीवन संवार सकता है केले का पौधा, क्योंकि केले के पौधे में स्वयं है श्री हरि विष्णु का वास। जैसी कामना से आप इस चमत्कारी पौधे की पूजा करेंगे, वैसा ही फल आपको मिलेगा। इस दिव्य पौधे के पूजन की विधि भी विशेष है। आज के दिन
चने की दाल और गुड़ गाय को खिलाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, विशेष लाभ की प्राप्ति होती है, यही इस दिन की पूजा का विधान है। साथ ही साथ सायंकाल में, प्रदोष काल में फिर गुरुवार की व्रत कथा करें और भगवान नारायण की आरती करें, केले के पौधे की आरती करें और अपने मन की बात ऐसा मानते हुए कि इसमें नारायण का वास हो गया है, अपनी अपनी जो भी अवस्थी है और जो भी आप चाहते हैं भगवान नारायण से प्राप्त करना, उनका आशीर्वाद लेना, वह उनसे कहिए, इस रूप में कहिए कि यह पौधा साक्षात नारायण का स्वरूप है। बस यही सामान्य पूजा है। बृहस्पतिवार को स्नान कर पीले कपड़े पहने, हल्दी की गांठ, चने की दाल और गुड़ केला को समर्पित करें, अक्षत पुष्प आदि मंगल चीजें चढ़ाएं और केले के पेड़ की परिक्रमा करें, केले के पौधे के सामने गुड़ और चने का भोग लगाएं, फिर वहीं बैठकर बृहस्पति या श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करें, प्रसाद ग्रहण करें और दूसरों को भी प्रसाद बांटें। केले के अद्भुत ज्योतिषीय प्रयोग तो आपने जान लिए, अब देखिए वो अद्भुत मंत्र जिसका जाप आपको केले के पौधे के सामने बैठकर करना है। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जाप करें। गुरु ग्रह है बृहस्पति, इंसानी जिंदगी पर गहरा असर छोड़ता है ये ग्रह। देव गुरु बृहस्पति को मनाने और कुंडली के गुरु को मजबूत बनाने के लिए केले के दिव्य प्रयोगों से दूर हो सकती है जीवन की हर विपत्ति, क्योंकि केले का पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि भगवान नारायण और देवी लक्ष्मी की कृपा का अंश है। इस पौधे की पूजा उपासना से बृहस्पति ग्रह भी शुभ फल देता है। तो आप भी केले के पौधे से जुड़े इन उपायों को अपनाएं और भगवान श्री हरि समेत मां लक्ष्मी से भी आशीर्वाद पाएं। तो यूं ही हरि की कृपा आप पर बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। चलिए इसी के साथ हमें इजाजत दीजिएगा। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।